अब एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताने जा रहे हैं। एक राज्य का गवर्नर सरकारी प्लेन में बैठ जाए और राज्य का सीएम विमान को उड़ने ना दे तो सियासी घमासान तो तय है। महाराष्ट्र में यही हुआ, इसको लेकर खूब सियासी बवाल भी मचा। महाराष्ट्र में राज्यपाल बनाम उद्धव, सरकारी प्लेन के इस्तेमाल पर संग्राम, जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई, राज्यपाल जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड के मसूरी में कार्यक्रम में शामिल होना था। इसके लिए राज्यपाल मुंबई एयरपोर्ट पर सरकारी प्लेन का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, लेकिन पता चला कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से राज्यपाल को सरकारी प्लेन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिली है, जिसके बाद राज्यपाल ने सामान्य प्रशासन विभाग से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन राज्यपाल को आधे घंटे तक कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी निजी फ्लाइट से मसूरी पहुंचे। जब भगत सिंह कोश्यारी से इस बारे में पूछा गया तो गवर्नर ने बस इतना कहा कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी कारण से वो जाने हवाई जहाज नहीं मिला, दूसरे हवाई जहाज से आ गए, ये नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन बीजेपी इसको बदले की कार्यवाही और राज्यपाल की गरिमा का हनन बताते हुए महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। एक प्रोसेस होती है कि जिस प्रोसेस के तहत राज्यपाल जी को अगर स्टेट फ्लाइट यूज करना है तो जीएडी को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसको मान्यता मिलती है। ऐसी रिक्वेस्ट गई थी चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक, वो रिक्वेस्ट गई थी, जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। महामहिम राज्यपाल महोदय का जिस तरीके से अपमान महाराष्ट्र के विकास आघाड़ी सरकार ने किया है, हम इसकी भत्सना और निंदा करते हैं। जिस भावना से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार में बैठे हुए लोगों ने राज्यपाल महोदय को हवाई अड्डे से उतार दिया है, उस सरकार का घमंड अब महाराष्ट्र की जनता उतारेगी, हमारा कहना है। वैसे राज्यपाल कोश्यारी और ठाकरे सरकार के रिश्ते काफी समय से तल्ख हैं। पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र सरकार ने 12 MLC के नामों को मंजूरी के लिए राज्यपाल भवन भेजा था, पर मंजूरी अभी तक नहीं मिली। अब ठाकरे सरकार इस पर कानूनी कदम उठाने की तैयारी में है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि सरकारी विमान और MLC मामले को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आप 15 मिनट फ्लाइट में आपको बैठना पड़ा तो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, अपमान हुआ, लेकिन अगर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा है सहमति से, वो आप रोक कर रखते हैं, वो भी कैबिनेट का अपमान है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के मुद्दे पर राज्यपाल और सीएम ठाकरे एक दूसरे पर तंज कस चुके हैं, जिसको लेकर भी महाराष्ट्र में काफी सियासी बवाल मचा था। ABP News आपको रखे आगे।